आपकी बॉडी में एक लिम्फेटिक मसाज होता है जब आप जंप करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, और उसकी वजह से हमारी बॉडी जो है ना खुद टॉक्सिन्स निकाल लेती है। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में, इवन आप किलिंग कैंसर नॉट पीपल में भी पढ़ेंगे तो उसमें भी दिया हुआ है कि जो लोग चलते फिरते रहते हैं, थोड़ा वॉक, थोड़ा जंप करते रहते हैं, उनको कभी भी कैंसर नहीं होता, क्योंकि लिम्फ्स जो है ना वो अपना टॉक्सिन्स खुद ही बाहर निकाल लेती है। ठीक है। इट कैरीज आउट द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ प्योरिफाइंग। पानी आपके बहुत महत्वपूर्ण एक जो फंक्शन है प्योरिफाइंग का, आपकी बॉडी को प्योरिफाई करता है, फिल्टर करता है, एंड ट्रांसपोर्टिंग एक्सेस वाटर। और लिम्फ के बारे में बताया इन्होंने कि आपकी बॉडी में जो एक्सेस वाटर है उसको भी बाहर निकालता है, प्रोटीन्स को, और वेस्ट थ्रू ब्लड स्ट्रीम। और जो भी बॉडी में वेस्ट इकट्ठा हो गया है उसको ब्लड स्ट्रीम के थ्रू निकाल देता है। ये सारा फंक्शन लिम्फ का है। इनसाइड द लिम्फ वेसल्स आर एंटीबॉडीज कॉल्ड गामा ग्लोबुलिन्स विच हैव इम्यून फंक्शन एंड एंजाइम कॉल्ड लाइसोजाइम्स विच हैव एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट्स। हमारे लिम्फ वेसल्स के अंदर कुछ एंटीबॉडीज होती हैं जिनको गामा ग्लोबुलिन बोला जाता है, इन नामों से हमें कुछ ज़्यादा नहीं लेना है, विच हैव इम्यून फंक्शंस, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, वो जो गामा एंटीबॉडी है। एंड एंजाइम्स कॉल्स, एक एंजाइम्स होता है इसमें लाइसोजाइम्स, विच हैव एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट्स, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट्स होता है उसका, इन ऑर्डर फॉर द इम्यून सिस्टम फॉर फंक्शन प्रॉपरली। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छे से काम करे, गुड वाटर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। तो आपके आपका जो पानी है, अच्छा पानी, वो एकदम अति आवश्यक है। ठीक है। इन ह्यूमन बीइंग इफ वाटर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपरली, हमारे मानव शरीर में अगर पानी का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं हुआ चारों तरफ, दैट पर्सन विल नॉट ओनली बिकम मेल नरिश्ड, तो उस आदमी, वो जो आदमी होगा वो मेल नरिश्ड होगा, मतलब कुपोषण का शिकार तो होगा ही, बट वेस्ट एंड टॉक्सिन्स विल ऑल्सो एक्यूमुलेट इन साइड द सेल्स। इसके अलावा आपकी बॉडी में वेस्ट और टॉक्सिन्स आपके सेल्स में इकट्ठा होने लगते हैं। ठीक है। वेस्ट और टॉक्सिन्स आपके सेल्स में इकट्ठा होने लगते हैं अगर अच्छा पानी आपने नहीं पिया। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, और इससे भी बुरी बात अगर कुछ हो सकती है, द एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स विल डैमेज सेल्स जीन्स। तो ये जो टॉक्सिन्स जो इकट्ठा हो रहे हैं ना आपके सेल्स में, वो आपके सेल्स को डैमेज कर सकते हैं, कॉजिंग सम सेल्स टू बिकम कैंसरस, और आपके कुछ सेल्स कैंसरस भी हो सकते हैं। प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू एंड रिसीविंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी 60 ट्रिलियन सेल्स आर माइक्रो फंक्शंस ऑफ वाटर। तो आपके जो 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, 60 ट्रिलियन सेल्स, उसका जो माइक्रो फंक्शन है, और उसको ठीक से नरिश करने के लिए, मतलब पोषण अच्छे से सेल्स तक पहुंचे और उसमें से जो वेस्ट है वो निकलता रहे, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पानी। बाय द वे, सुबह उठ के आप कुछ लोग बताएंगे कितना पानी पीते हैं। सुबह उठते सबसे पहला काम क्या करते हैं, चाय पीते हैं कि पानी पीते हैं? कुछ लोग हैंड रेस करके भी बता सकते हैं। अच्छा, पानी पीते जब से कैंगन में आए हैं तब से पानी पीते हैं सर, सुबह उठ के हैं। ठीक है। पानी पीता है सर। सिटी में कितना पानी पीती हैं? अबाउट 1 लीटर से कम। 1 लीटर से कम पी लेती हैं, और उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट मील, नेक्स्ट डाइट। उसके बाद मैं करीब करीब आधा घंटा रुकती हूँ, फिर मेरा जिंजर हल्दी और मिल्क मिक्स वो एक मग पीती हूँ। अच्छा, जिंजर हल्दी और मिल्क चलिए कुछ अच्छा अच्छा मिल्क हाँ मिल्क मिल्क के साथ। ठीक है। गुड। तो एक चार और, गिलास पानी हम पीते हैं सर। 4 गिलास पानी पीते हैं। मैं भी 4 गिलास पीता हूँ, मतलब मेरा कोशिश रहता है, मेरी कोशिश रहती है कि 1.25 लीटर पानी पी जाए। सवाल पीता भी। आप ही का रिकमेंडेशन है सर, हाँ हाँ और बहुत काम का रिकमेंडेशन है सर। सवाल जी। सर।
1.25 लीटर पानी पीने से ना बाथरूम जाने से पहले आपको बहुत तगड़े रिजल्ट्स उसके। हाँ जी पन साहब, नवीन जी सर, उठते ही बिल्कुल जो है बिना कुल्ला के बिना टॉयलेट जाए पहले पानी, उसके बाद टॉयलेट वगैरह जाने का सिलसिला होना चाहिए जैसा कुछ रिकमेंडेशंस है, तो उसी हिसाब से लगभग 1 से 1.25 लीटर पानी जो है सुबह उठ के पहले पीता हूँ सर। ठीक सकते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब चलते हैं, हम लोग गुड वाटर को जानते हैं कि गुड वाटर, डॉक्टर हिरोमी सिन्हा गुड वाटर किसको बोलते हैं। गुड वाटर इज वाटर विद स्ट्रॉन्ग डी ऑक्सीडेशन क्वालिटीज, जो ऑक्सीडेशन को कम कर सके उसको गुड वाटर बोलाएंगे, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया चलती रहती है, फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, जो भी मेटाबॉलिज्म का जो काम चलता है ना उसका वेस्ट है फ्री रेडिकल, और वो बनता ही बनता है। कोई भी जीवित इंसान में फ्री रेडिकल्स नहीं बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमें क्या करना है, डी ऑक्सीडेशन, जिस पानी में जो क्वालिटीज हैं डी ऑक्सीडेशन की, वो पानी आपको पीना चाहिए। तो आई बिलीव यू नो हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्ट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू ड्रिंक गुड वाटर। तो अब इनको, इनका कहना है कि अब मुझे विश्वास है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि अच्छा पानी पीना कितना महत्वपूर्ण है। सो व्हाट काइंड ऑफ वाटर इज दिस गुड वाटर, तो किस तरह के पानी को गुड वाटर हम कह सकते हैं, विच आई हैव रिपीटेडली मेंशन्ड, जो मैं बार बार अपनी किताब में कह चुका हूँ। व्हेन आई से गुड वाटर, जब मैं गुड वाटर की बात करता हूँ, आई डो नॉट बिलीव देयर इज एनीवन हु थिंक्स टैप वाटर फिट्स इनटू दिस डेफिनेशन। तो मैं जब गुड वाटर की बात करता हूँ तो मुझे यकीन है कि कोई ऐसा नहीं मानता होगा कि टैप वाटर कहीं भी इसमें फिट होता है, मतलब टैप वाटर गुड वाटर नहीं होता है। इन एडिशन टू क्लोरीन विच इज यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट, टैप वाटर में क्लोरीन भरपूर मात्रा में होता है, जहाँ भी म्यूनिसिपल का पानी है, ठीक है, जहाँ भी सरकारें पानी सप्लाई करा रही है ना, तो उसमें क्लोरीन डाला जाता है, मजबूरी है उनकी, ताकि पानी में डिसइंफेक्टेंट करने के लिए और आपके उनकी पाइप को बचाने के लिए, ठीक है, नहीं तो पाइप रस्टिंग से खराब हो जाएगा। तो टैप वाटर ऑल्सो कंटेंस डायोक्सिन्स एंड कार्सिनोजेंस, तो टैप वाटर के अंदर डायोक्सिन्स और कार्सिनोजेन कैंसर कारक भी तत्व पाए जाते हैं। टैप वाटर मीट्स सर्टेन लेवल ऑफ सेफ्टी फॉर दिस सब्सटेंसेस, बट इट इज अ फैक्ट दैट टैप वाटर स्टिल कंटेंस टॉक्सिन्स। टैप वाटर को सेफ बनाने के लिए सरकारें कुछ ना कुछ करती रहती है, बट फिर भी कुछ उसमें ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो आपको कैंसर करा सकते हैं। टैप वाटर इज स्टरलाइज विथ क्लोरीन, टैप वाटर को क्लोरीन से गुजारा जाता है ताकि वो स्टरलाइज हो जाए, उसमें जो बैक्टीरिया जर्म्स है वो मर जाए। When chlorine is added to water, और जब पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है, large amount of free radicals are produced in the water. तो बहुत बड़ी मात्रा में free radicals पानी में पैदा हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाई एज अ रिजल्ट ऑफ दोज फ्री रेडिकल्स, पानी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे इंटरनल इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियल फ्लोरा की बात कर रहे थे, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, बट वो सब मर जाता है। देयरफॉर पीपल कंसिडर दैट वाटर क्लीन, इसीलिए लोग उसको क्लीन वाटर कहते हैं, वो गुड वाटर नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं इस स्टरलाइजेशन के प्रोसेस में, एंड एट द सेम टाइम, और इसके साथ साथ द वाटर इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड, तो पानी ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, पूरा पानी ही ऑक्सीडाइज हो गया। दिस इज हाउ टैप वाटर बिकम्स ऑक्सीडाइज्ड वाटर, इस तरह से हमारा जो टैप वाटर है वो ऑक्सीडाइज्ड वाटर बन जाता है। द लेवल ऑफ ऑक्सीडेशन इन वाटर कैन बी मेजर्ड विद समथिंग कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, पानी के ऑक्सीडेशन को चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए, जांच मापने के लिए एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस आता है जिसको ओआरपी मीटर हम लोग बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स आइदर ब्रेक अवे और गेट टेकन अवे फ्रॉम मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीडेशन
का प्रोसेस को इन्होंने डिफाइन किया है कि ऑक्सीडेशन मतलब एजिंग, सिकनेस, सड़ना जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, तो ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है उसमें जो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो या तो टूटते हैं या हमारे मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स जो हैं उसमें से वो निकल जाता है, बाहर आ जाता है। रिडक्शन इज द ऑपोजिट इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिसीव्ड बाय मॉलिक्यूल्स, तो रिडक्शन उसका उल्टा प्रोसेस है जिसमें हमारे मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स आता है। बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ दिस फ्लक्चुएटिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो हम लोग जांचते हैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लक्चुएशन को, वन कैन डिटरमिन, तो आप ये जान सकते हैं, मान सकते हैं कि वेदर दैट वाटर विल ऑक्सीडाइज, तो वो पानी आपको सड़न पैदा करेगा, एजिंग पैदा करेगा, और रिड्यूस अदर सब्सटेंसेस, या तो आपकी बॉडी से जो एजिंग करने वाले एजेंट्स उनको कम करेगा। देयरफॉर द लोअर द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल नेगेटिव डायरेक्शन, तो इसलिए जितना भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल नेगेटिव डायरेक्शन में जितना कम होगा, द स्ट्रोंगर द रिडक्शन पावर, द पावर टू रिड्यूस द सब्सटेंसेस, तो उतना आप उस पानी में ये ताकत होगा कि वो आपकी बॉडी से ऑक्सीडेशन को कम कर सकता है। द हायर द नंबर पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर जितना ज्यादा होगा, द स्ट्रोंगर द ऑक्सीडेशन पावर ऑफ द वाटर, तो उतना ही वो पानी आपके बॉडी में ऑक्सीडेशन क्रिएट करेगा। द पावर टू ऑक्सीडाइजिंग द सब्सटेंसेस, किसी भी चीज को ऑक्सीडाइज करने का पावर बढ़ जाता है जैसे जैसे वो पॉजिटिव साइड में आता है। अच्छा बाय द वे, आप में से कभी किसी को डेमो करते हुए कोई ऐसा इंसान मिला कि हम कैसे मान लेंगे नेगेटिव अच्छा है पॉजिटिव अच्छा होना चाहिए, ऐसा कोई मिला किसी को? हैंडल करके बताना। कोई मिला तो नहीं है सर। आपको नहीं मिला सर? किसी को मिला, किसी को हैंडल करना? मेरे को मिला है। मिला है सर। मिला है ना? हाँ मिला है सर। रिग्नेश भाई को भी मिला है। तो वहां पे ना सर ये बुक्स उस बात को एस्टेब्लिश कर सकता है कि नहीं, देखिए डॉक्टर कह रहे हैं कि नेगेटिव अच्छा है, इसीलिए बुक्स आपके टूल्स मतलब बैग में रहना बहुत जरूरी है। हाँ जी नवीन पंजी, आपको भी मिला कोई? सर उसने तो यही बोल दिया कि जो हम ये पीएच इंडिकेटर डालते हैं, बोले ये कैसे मान लें कि ये सही है, हो सकता आपके पानी के साथ कुछ ऐसा आपने सेटिंग करे, क्योंकि आपके पानी में जाके नीला बनता है और ये ओआरपी मीटर ये करता है, तो सवाल तो इतने से लोग पूछते हैं। अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो जो डाले हुए ना, तो उसमें एक कमेंट आया एक व्यक्ति का कि सर मुझे ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर वो मेरा वीडियो है, तो उसपे एक कमेंट आया किसी का, कोई दूसरी टीम का बंदा है, उसने लिखा कि सर मुझे एक कस्टमर मिला जिसने मुझे ऑब्जेक्शन क्रिएट किया कि इतनी अच्छी चीज होती तो घर में आके क्यों बता रहे हो, अच्छी चीज तो लोग जाके ढूंढ लेते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लोग तरह तरह के मिलेंगे, ठीक है, एक से एक लोग मिलेंगे, कईयों को हम हैंडल भी नहीं कर सकते। सर हमको हाल में ही मीटिंग में, भरे मीटिंग में एक आदमी मिले सर, जो बोले कि हम कैसे मान लें कि ये माइनस अच्छा है, फ्रूट्स मंगवाए उनको सेटिस्फाई करने के लिए सर, किताब का रेफरेंस नहीं दे पाए, नहीं उस समय दिमाग में आया, तो फ्रूट्स मंगवाया, फ्रूट्स को मिक्सी से हल्का सा पीस के चार पांच फ्रूट को, और तब उनको दिखाया, देखे कि माइनस ओआरपी 100 है, क्योंकि फ्रूट्स को तो आप जानते हैं ताजा फ्रूट है ये, और ये पानी कितना दिखा रहा है 450, तब वो सेटिस्फाई हुए सर। हाँ जी सर, ये जब क्वेश्चन आता है, पहले नमस्कार सबको, तो मैं गोमूत्र रखती हूँ ना, तो कभी कभी वो दिखाती हूँ किसी किसी को, क्योंकि डॉक्टर्स तो डिनाई कर देते हैं कि हम तो नहीं मानते ये गोमूत्र वगैरह, लेकिन वैसे स्थापित है सभी के लिए, सभी जानते हैं कि आयुर्वेद का अमृत है गोमूत्र, और वो माइनस प्रॉपर्टी शो करता है, हाइली अल्कलाइन भी शो करता है, तो फिर वो चीज मैं दिखा देती हूँ कि मैं इसलिए नहीं ये रख रही हूँ कि मुझे गोमूत्र को की टेस्टिंग दिखानी है, मैं इसलिए रख रही हूँ कि दुनिया में और भी चीजें हैं जो अच्छी हैं और इस प्रॉपर्टी वाली है। तो ये भी एक काम हम लोग कर सकते हैं, पतंजलि का गोमूत्र आता है लोग, अवेलेबल हो जाता है हम लोग को बोतल में, तो वो भी होना चाहिए हमारे बैग में, कभी कभी कुछ लोग मिल जाए तो गोमूत्र में भी रखता हूँ सर मैं। हाँ गोमूत्र आप भी रखते हैं ना?
तो ये अच्छा है क्योंकि लोग मिलते हैं, तरह तरह के लोग मिलते हैं। तो चलते हैं थोड़ा सा और इसको कंप्लीट करें। लुकिंग एट दैट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मोस्ट टैप वाटर इंडिकेट्स वाटर विद हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जब आप देखेंगे कि जितने भी तरह के टैप वाटर है, कहीं का भी पानी चेक कर लो, उसका हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको प्लस में बहुत ज्यादा शो करेगा। दिस इज स्पेशली द केस इज इन बिग सिटीज सच एज टोक्यो, और ये खासकर जितने बड़े शहर है ना, वहां का पानी ज्यादा, टैप वाटर ज्यादा ऑक्सीडाइज होता है। जैसे टोक्यो के बारे में इन्होंने बताया है, वेयर टैप वाटर प्रोड्यूसिंग एन एक्सट्रीमली हाई ऑक्सीडेशन वैल्यू ऑफ 600 to 800। टोक्यो में टैप वाटर जो सरकार सप्लाई करती है वो 600 to 800 पॉजिटिव ओआरपी होता है। सो व्हाट काइंड ऑफ वाटर इज वाटर विद अ हाई रिडक्शन पावर। तो किस तरह का पानी ऐसा है जिसमें हाई रिडक्शन पावर है, मतलब एंटी ऑक्सीडेशन को कम करने की ताकत जिसमें ज्यादा हो। यू कैन यूज इलेक्ट्रोलिसिस टू क्रिएट वाटर विद स्ट्रॉन्ग रिडक्शन कैपेबिलिटी। आप इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को यूज कर सकते हैं पानी की रिडक्शन कैपेबिलिटी क्षमता बढ़ाने के लिए। कैंगन वाटर इज द नेम ऑफ प्योरिफिकेशन डिवाइस। कैंगन वाटर एक डिवाइस का नाम है, प्योरिफिकेशन डिवाइस का, मेड इन जापान। जापान में बनी हुई एक मशीन है दैट डज जस्ट दैट, जो यही काम करती है। ठीक है, यहाँ पे भी कैंगन वाटर के नीचे में ये आता है। When electrolysis occurs in these devices, जब इन मशीनों में electrolysis का प्रोसेस होता है, तो minerals such as calcium and magnesium, पानी में जो minerals, अच्छे minerals हैं जैसे calcium और magnesium, from the water attach themselves to cathodes. तो जो good minerals है ना, वो cathodes में, anode और cathode लगा है हमारी मशीन में, पढ़ा हुआ आपने electrolysis में, तो वो cathodes में अटैच हो जाता है गुड मिनरल। देयरफॉर वाटर दैट हैज बीन इलेक्ट्रिकली ट्रीटेड कैन कलेक्ट मोर मिनरल्स। तो जो पानी इलेक्ट्रिकली ट्रीट किया हुआ है उसमें ज्यादा मिनरल्स होते हैं, गुड मिनरल्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, फर्दर मोर व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस अकर्स, इसके साथ साथ जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो एक्टिव हाइड्रोजन इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। तो पानी में एक्टिव हाइड्रोजन पैदा होता है, सर्विंग टू रिमूव एक्सेस फ्री रेडिकल्स फ्रॉम द बॉडी। और फ्री रेडिकल्स जो हैं, वो आपकी बॉडी में जो ज्यादा फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं किसी वजह से, उनको वो रिमूव कर देता है, हटा देता है। व्हेन वाटर पास थ्रू दिस प्योरीफायर्स, जब पानी इन प्योरीफायर्स से गुजरता है तो क्लोरीन एंड केमिकल सब्सटेंसेस फाउंड इन टैप वाटर गेट रिमूव। तो क्लोरीन और बहुत तरह के जो गलत ये मिनरल्स हैं पानी में, वो खत्म हो जाते हैं, निकल जाते हैं, रिजल्टिंग इन गुड वाटर, और इसलिए ये इसको गुड वाटर कहा जाता है। टू पुट इट सिंपली, गुड वाटर मींस वाटर विद स्ट्रॉन्ग रिडक्शन पावर दैट हैज बीन पॉल्यूटेड विद केमिकल सब्सटेंसेस। तो अगर मैं इसको साधारण शब्दों में बताना चाहूँ आपको, तो गुड वाटर का मतलब क्या होगा कि जिसमें स्ट्रॉन्ग रिडक्शन पावर हो, जो आपके पानी से केमिकल्स और पोल्यूटेंट्स को निकालने की क्षमता रखता है। ठीक है, अमंग मिनरल्स फाउंड इन वाटर, पानी में जो मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम आर स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस। तो पानी में जो मिनरल्स पाए जाते हैं ना, उनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस के लिए, इंसानों के लिए। इनफैक्ट द बैलेंस ऑफ दिस टू मिनरल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सच कहें तो ये जो दो मिनरल्स है ना, इनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। कैल्शियम दैट एंटर्स द बॉडी डज नॉट गो टू फ्लूड्स आउटसाइड सेल्स बट इंस्टेड रिमेन्स विद सेल्स। तो कैल्शियम जो हमारी बॉडी में एंटर करता है पानी के थ्रू, वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलता, सेल्स से बाहर नहीं निकलता, बट हमारे सेल्स में बना रहता है। व्हेन कैल्शियम कलेक्ट इनसाइड सेल्स, और जब कैल्शियम आपके सेल्स में इकट्ठा होता है, इट बिकम्स अ कॉज ऑफ ऑस्टियोस्क्लेरोसिस एंड हाई ब्लड प्रेशर।
अब देखिए, नॉर्मल पानी में जो कैल्शियम मिलता है ना हमें, उसके बारे में बताया है कि एस्टेरोक्लेरोसिस एंड हाई ब्लड प्रेशर का रीजन कैल्शियम बन जाता है जब आपकी बॉडी से ये सेल्स से बाहर नहीं जाता है। हाउएवर इफ द राइट अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम इज कंज्यूम एट द सेम टाइम, लेकिन अगर जैसे कैल्शियम आपके बॉडी में गया पानी के थ्रू और उसी समय मैग्नीशियम भी सेम क्वांटिटी में जाए आपके सेल्स तक, इट कैन प्रिवेंट एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम इन सेल। तो ये आपको कैल्शियम के एक्सेस एक्यूमुलेशन से बचा सकता है, इसलिए मैग्नीशियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द एप्रोप्रिएट रेशियो ऑफ कैल्शियम टू मैग्नीशियम इज सेट टू बी 2:1। तो कैल्शियम का और मैग्नीशियम का जो सही अनुपात है आपकी बॉडी में सेल्स में वो 2:1 होना चाहिए, यानी दो कैल्शियम तो एक मैग्नीशियम होना चाहिए। डीप ओशन वाटर विच कंटेन्स अ लॉट ऑफ मैग्नीशियम एंड हार्ड वाटर विच इन एडिशन टू मैग्नीशियम एंड कैल्शियम ऑल्सो कंटेन्स आयरन कॉपर फ्लोराइड एंड अदर मिनरल्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड गुड वाटर। तो डीप ओशन वाटर मतलब सागर समुन्द्र के जो डीप ओशन वाटर जो होते हैं उसके बारे में बताया है कि उसमें बहुत सारा मैग्नीशियम पाया जाता है, जबकि वो हार्ड वाटर होता है तो मैग्नीशियम के अलावा उनमें कैल्शियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है, फ्लोराइड पाया जाता है एंड अदर मिनरल्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड गुड वाटर। तो इन्होंने कहा कि उसको भी गुड वाटर हम कह सकते हैं। कैंगन वाटर इज द रीस्ट्रक्चर्ड आयोनाइज वाटर प्रोड्यूस बाय द कैंगन वाटर प्योरीफाइंग सिस्टम बिल्ट इन जापान। कैंगन वाटर एक रीस्ट्रक्चर्ड आयोनाइज वाटर है जो कैंगन मशीन प्योरीफाइंग मशीन से निकलता है जो जापान में बना है। आई बिलीव दिस वाटर कैन बी द एन इनवैल्यूएबल एड इन हेल्पिंग यू टू क्लींस एंड रिवाइटलाइज योर सेल्स। तो मैं ये मानता हूं कि ये आपके बॉडी को क्लींज करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए, आपके सेल्स को रिवाइटलाइज करने के लिए, फिर से पूरा एकदम एनर्जी लाने के लिए ये पानी आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग यू कैन डू विद योर कैंगन वाटर मशीन इज टू मेक स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर। आप एक और अपनी कैंगन मशीन से काम कर सकते हैं जिसको एक और पानी बना सकते हैं जिसको स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर बोलते हैं। दैट इज वाटर विद अ वेरी लो पीएच ऑफ 2.5 स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर, जिसका पानी का पीएच 2.5 होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर है एंड पावरफुल एंटी बैक्टीरियल एजेंट, ये बहुत पावरफुल एंटी बैक्टीरियल द्रव्य है। सो इट इज ग्रेट फॉर वॉशिंग योर फ्रेश रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इन्होंने बताया है कि ये आपके फ्रेश और रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को धोने के लिए भी अच्छा पानी है। बट बियॉन्ड दैट इट इज बीइंग टेस्टेड फॉर इट्स एबिलिटी टू हील डायबिटीज अल्सर, डायबिटिक अल्सर एंड अदर स्किन प्रॉब्लम। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को तो धोया जा सकता है, साथ साथ इसमें पावर है इस पानी में कि ये पानी आपके डायबिटिक अल्सर और स्किन प्रॉब्लम को ठीक कर सकते। Using a strong acidic water instead of toxins chemicals is another example the way we can work with nature to promote our own body miraculous ability to heal itself. So, आप जब strong acid water use करते हैं toxins toxic chemicals को ना use करके, तो ये एक बहुत अच्छा हमारी body के लिए चमत्कारी काम करता है, ताकि आपकी body का जो healing मैकेनिज्म है वो फिर से एक्टिवेट हो सके। ठीक है, तो लास्ट में इन्होंने लिखा है सम मे आर्ग्यू दैट एजिंग इज द नेचुरल फेट ऑफ ह्यूमंस। आप में से कुछ लोग ये आर्ग्यू कर सकते हैं, मतलब आर्ग्यू का हिंदी में क्या बोलेंगे, डिस्कस मतलब डिबेट, हाँ आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं आप कि भाई इंसान तो नेचुरली एजिंग होगी उसकी। ठीक है, द प्रोसेस इन विच सेल्स आर ऑक्सीडाइज बाई फ्री रेडिकल्स एंड डैमेज मे बी कम्पेयर टू द प्रोसेस ऑफ डिजीज लाइक कैंसर डेवलपिंग इन समवन्स बॉडी। तो आप में से कुछ लोग इस पर डिबेट डिस्कस कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि भाई ह्यूमन तो एजिंग होगा ही, बट सेल्स का जो प्रोसेस है ऑक्सीडाइज होने का और फ्री रेडिकल्स की वजह से जो सेल्स हमारे डैमेज हो रहे हैं उसकी वजह से आपको कैंसर हो सकता है। दिस काइंड ऑफ एजिंग इज नॉट इनएविटेबल, इस तरह का एजिंग कोई जरूरी नहीं है,
एंड शुड नॉट बी रिगार्डेड एज अ नेचुरल कोर्स ऑफ एजिंग, और इसको हमें नेचुरल एजिंग नहीं मानना चाहिए. द नेचुरल कॉज ऑफ एजिंग इज अ ग्रेजुअल डिटोरिएशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल्स एंड अ ग्रेजुअल फंक्शनल डिक्लाइन. तो जो सही एजिंग होती है बॉडी की वो ये है कि धीरे धीरे हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो, धीरे धीरे हमारे मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया कम हो जाए और सेल्स का जो फंक्शन है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाए, मतलब कम होने लगे. ठीक है, तो इतना ही बता के एक तरह से गागर में सागर भरा है हिरोमी शिनया ने इस चैप्टर में, क्योंकि पूरी बुक पढ़ना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, कई डॉक्टर्स के पास भी टाइम नहीं होता है. तो कम से कम एक चैप्टर हम उनको पढ़ा सकते हैं और इसमें वो सारी बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हम लोग करते हैं. टाइम हो गया है 7:38. अब हम लोग थोड़ा सा प्रिंस सिंह जी बताइए, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लूंगा अभी, मेरा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल सर, सशिकल सर, सर मैं पूछना चाहता था ये जो ढाई पीएच का लास्ट में बताया इसके फायदे, सॉरी मेरे को समझ में नहीं आए, थोड़ा सा बोलना. ये वो बैक्टीरिया तो किल करता ही है, माउथ वॉश का काम करता है, तो और क्या फायदे आपने बोले सर? देखो ये डिसइंफेक्टेंट भी है ये, और इन्होंने हिरोमी शिनया ने, वैसे हम लोग 11.5 पीएच से बताते हैं लोगों को पानी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का पेस्टिसाइड रिमूव करने के लिए. ठीक है, क्योंकि इंडिया में पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो हम लोग 11.5 सब्जियां धोने के लिए बताते हैं, लेकिन इन्होंने 2.5 भी बताया है ताकि बैक्टीरिया जम्स मर जाए. जापान में हो सकता है पेस्टिसाइड यूज नहीं हो रहा हो, इसलिए 11.5 का वहां इस्तेमाल नहीं है. ठीक है सर, तो इन्होंने बताया है कि 2.5 से आपको सब्जी धोना चाहिए. 2.5 इसके अलावा एक्जिमा है, सोरेसिस है, किसी भी तरह का नेल फंगस है या किसी को गैंग्रीन है, तो 2.5 जो है ना स्किन प्रॉब्लम्स पे बहुत अच्छा काम करता है. या मुंह से स्मेल आ रहा हो, मेरे ख्याल से सर आपने वो डायबिटीज बारे में भी बोला इसमें थोड़ा सा. हाँ डायबिटीज का ही तो बोला. नहीं बोला, बोला ना यार, बोला है ना, बोला है सर, डायबिटिक अल्सर बोला है ना. हाँ डायबिटिक अल्सर, गैंग्रीन सर, गैंग्रीन के लिए. हाँ गैंग्रीन के लिए बहुत काम करता है. ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, यही पूछना. कोविड के पीरियड में हम लोग सब्जियों को पहले 2.5 में वॉश करते थे, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, उसके बाद 11.5 में. ठीक है सर, थैंक यू जी. और एक आधा पन्ना रोज पढ़ा जा सकता है कहीं से, इधर से उधर से, ये जानकारी भी पढ़ाई है अपनी हेल्थ के बारे में. और हम लोगों को बता सकते हैं कि ये बुक डॉक्टर कौन है. एक बात और बता दो, कई लोग ना सीधा बुक खोल के दिखाने लगते हैं, आपकी बात नहीं सुनेगा. पहले आपको डॉक्टर हिरोमी शिनया को अच्छे से एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि कौन है डॉक्टर हिरोमी शिनया. ठीक है, तो मैं कुछ लाइंस आपको बता रहा हूं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है कि डॉक्टर हिरोमी शिनया को कैसे हम बताएं. ठीक है, सबसे पहले बताना है कि डॉक्टर हिरोमी शिनया सेलिब्रिटीज के डॉक्टर हैं, वर्ल्ड के फेमस और रिनाउंड डॉक्टर हैं. ये दो लाइन पहले बोल के उसके बाद बताना है कि इन्होंने जो कोलोनोस्कोपी होता है उसके ये को इन्वेंटर हैं. कुछ लोगों ने मिलके जो कोलोनोस्कोपी इन्वेंट किया था वो कोलोनोस्कोपी के ये आविष्कारक हैं, और ये अपनी लाइफ टाइम में 4 लाख पेशेंट से भी ज़्यादा लोगों का एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी कर चुके हैं. 4 लाख पेशेंट का एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी कोई साधारण डॉक्टर नहीं कर पाता पूरी लाइफ. आप कैलकुलेट करके देखना कि 50 साल भी कोई डॉक्टरी करे तो कितना कोलोनोस्कोपी रोज करना पड़ेगा. किंग्स क्वींस ऑफ सेलिब्रिटीज के ये डॉक्टर हैं. हमारी जो पेट के अंदर कैमरा डाल के कौन से फूड से कौन से पानी से क्या असर पड़ता है इसके ऊपर बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है इनके पास, और वो अपनी किताब में कैंगन वाटर को गुड वाटर कहते हैं, अच्छा पानी मतलब कैंगन वाटर. तो ये बात दो चार लाइन बोलने के बाद जब आप किताब दिखाते हैं ना तो वो बात समझ में आती है.